ये रावस मच्छी आप देख सकते हो, 50 में काटेंगे? नहीं काटेंगे, नहीं नहीं आपने बोला ना समझ के दो, समझ के दो बोला ना आपने, अभी आप बोल रहे हो 100 रुपया दो। मैं ऐसे बोल रही हूँ आपको, अगर 100 रुपया ही लेना तो तुम आप ही आप बोलते हैं ना 100 रुपया। कौन कौन चिल्लाता है आपको? कोई भी लेगा तो ऐसे ही सोचे ना। गाइस प्रॉन्स के साइज देख सकते हो आप, काफी बड़े साइज के प्रॉन्स है ये। कमी करना 300 लास्ट में। ओ माय गॉड, 1 पीस का 300 बोल रहा, मुझे लगा ही ओके सॉरी। 1000 ला देना का है, 1200 दे देता 1000 बरोबर आहे का? की कोणती मच्छी आहे ती? याला आम्ही खाटकूट वाला म्हणते, आता दुसरा नाव खाटकूट, नाही नाही खाटकूट म्हणतात ना। हा कोणता मासा आहे? ए काकी ने मुंगी करली, काटेवाला पैसा लेतोय, 1200 पर्यंत देईल, 1200 अच्छा तो रावस। डेप मच्छी के अंडे देख सकते हो आप, बैक टू माई चैनल। आप देख रहे हो फूड वेंचर फोक्स और अभी मैं आई हूँ वर्सोवा के फिश मार्केट में। आप पीछे देख सकते हो ये है वर्सोवा का फिश मार्केट। इनफैक्ट मैं सेकेंड टाइम आई हूँ इस मार्केट में। आपने अगर पहला वाला व्लॉग नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं थंबनेल भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में भी आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो ये है वर्सोवा की जेटी, और यहाँ पे आप देख सकते हो। भैया आप क्या पॉपकॉर्न बना रहे हो? कितने का है पॉपकॉर्न? 10 रुपये। 10 रुपये का है, ओके। और ये कुछ पेपरमिंट चॉकलेट्स वगैरह भी है यहाँ पे। कितने के ये? 10 रुपये के पैकेट है सारे। तो ये कुछ नज़ारा है वर्सोवा के जेटी का। उस तरफ जो आप देख रहे हो वहाँ पर वो है मड आइलैंड, वो पूरा मड आइलैंड है। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है वर्सोवा का फिश मार्केट, जो होलसेल मार्केट लगता है वो यहाँ पे लगता है। यहाँ पे ये छोटे नाव देख सकते हो आप। यहाँ पे आप देख सकते हो बोट आई है और पूरी फ्रेश फिश यहाँ पे बोट से बाहर निकाल रहे हैं। लेप है ना ये, कौन सी मछली आई?
नेक्स्ट वाला है ना वहाँ पे नीचे, हाँ कोती। अच्छा तो यहाँ पे क्रैब्स देख सकते हो आप, ये मांदेली, यहाँ पे बोम्बिल, यहाँ पे प्रॉन्स भी है। ये कौन सा मच्छी है? हम वड़ा बोलते हैं। क्या वड़ा? वड़ा वड़ा। अच्छा ये वड़ा, वड़ा मच्छी देख सकते हो आप। मार्केट के टाइमिंग्स क्या है? 2 बजे चालू, 1:30 से 2 बजे तक चालू होता है। मतलब किसी को लेना है तो 2 बजे के बाद। टाइमिंग्स चेंज हुए क्या? पहले 4 बजे लगता था क्या मार्केट? अभी जल्दी हो गया। अच्छा लॉकडाउन से चेंज हो गया। तो ये सब अभी मच्छी ऑक्शन में जाएगी। ये कौन सा मच्छी है? स्टिंगरे। स्टिंगरे देख सकते हो आप। तो कौन से दिन लगता है मार्केट? ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। अच्छा सेम, वो दिन चेंज नहीं हुआ। मैं लास्ट टाइम आके गई थी ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। ओके लेंगे तो। अच्छा तो एक दिन छोड़ के एक दिन रहता है। अच्छा आपका नाम क्या है? रजनीश। ओके ये बोट आपकी है या? अच्छा आपकी बोट। तो ये बोट मतलब कितने दिन के लिए जाती है समुद्र में? 7 दिन। 7 दिन के लिए जाती है। अच्छा एक एक महीने तक भी जाती है क्या? नहीं 7 दिन में वापस आ जाती है। 7 दिन 10 दिन। और कहाँ से आती है मच्छी? अपना गुजरात बॉर्डर तक आ रही है। यहाँ से डबल दिन के ऊपर है, ज़्यादा दिन रहेंगे वहीं तक जाए। अच्छा तो 7 दिन तक आप लोग कैसे सॉल्ट वगैरह और ये बर्फ सब रहता है उसमें बोट में ही अवेलेबल रहता है? अच्छा वो मच्छी अलग अलग कर रहे हैं क्या? सब अलग अलग करके सेपरेट करके बास्केट में डाल रहे हैं। ये वाम मच्छी है क्या? अच्छा बाम मच्छी देख सकते हो आप। लोगों से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं क्या? वहाँ पे ऑक्शन में जाके लेना पड़ता है कि यहाँ से आपसे ही ले सकते हैं डायरेक्टली? अच्छा और ये जो बोट चलाते हैं वो आपसे भाड़े पे लेते हैं बोट और लेके जाते हैं या भाड़े पे नहीं है? कितनी बोट्स आती हैं यहाँ पे वन टाइम? 20-25-30। अच्छा अच्छा कम किस वजह से हुआ है? अच्छा लॉकडाउन के बाद। अच्छा ओके लॉकडाउन के बाद थोड़ा इफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन से सारी बोट्स लगे हुए हैं। चौनक और मोटसो मच्छी जो रहती है ना वो भी आती है क्या यहाँ पे? चौनक, चौनक बोलते हैं ना गोवा साइड में ज़्यादा सेल करते हैं। अगर अलग अलग स्टेट्स का नाम अलग अलग रहते हैं। अच्छा मैंने सुना है चौनक और मोटसो ऐसा मच्छी का नाम सुना है यहाँ पे, आपको नहीं पता? तो रहेगी वो लेकिन अच्छा नाम नहीं पता। मतलब आती है ना यहाँ पे भी चित्ताड़ा और मोडोसो बोलते हैं क्या? बाई चांस आते हैं और मोटसो जो है वो आते हैं। अच्छा ओके अच्छा पापलेट अभी निकालने वाले हो? अच्छा ओके क्या बोलते हैं ये जो कोली फेस्टिवल आता है ना वो यहीं पे होता है? दूसरे ग्राउंड पे? कहाँ पे?
भी होता है होली फेस्टिवल जनवरी में, तो मतलब सभी प्रकार के जो भी डिशेज वगैरह है वो सब ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, और एंट्री वगैरह कैसा होता है? वो किसी फ्री एंट्री रहता है? जाओ गाना देखो, अच्छा नाइस। ये बांगड़ा मच्छी देख सकते हो आप, ये कितने में आएगा? ये 250 का बांगड़ा है। ये बोट से सारी मच्छी यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। और यहाँ से लेके वो सीधा मार्केट में जाते हैं वहाँ पर। ये मांदेली देख सकते हो आप। ये छोटे साइज में है ना सुरमई? ये कितने में आएंगे? ये 300 के। ये बोट से उतरे हुए अब भी फ्रेश दिख सकते हो आप। ये सुरमई 300 के, लेप 300 का। अच्छा, ये अंदर से कितना किलो रहेगा? 3 किलो रहेगा। अच्छा, 3 किलो का लेप मच्छी देख सकते हो आप। 3 किलो से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 300 का है ये। इस मार्केट में आज काफ़ी सारी मच्छी आई हैं, आप देख सकते हो काफ़ी क्राउडेड मार्केट है आज। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मांदेली फिश है, ये सब बास्केट में अभी अलग अलग कर रहे हैं। प्रॉन्स है क्या? हा? उसमें प्रॉन्स आए हैं, बताएंगे क्या साइज के प्रॉन्स है? ओके, मीडियम साइज के प्रॉन्स देख सकते हो आप। बड़े प्रॉन्स आए हैं क्या? ये बड़े साइज के प्रॉन्स आप देख सकते हो। ओके, काफ़ी जंबो साइज के प्रॉन्स है, काफ़ी फ्रेश। ओके, थैंक यू। क्या प्राइस है प्रॉन्स के? 800 रुपये केजी। 800 रुपये केजी है। ओके, वो जंबो प्रॉन्स क्या? हाँ भैया, और ये प्रॉन्स कितने के हैं? कितने के आएंगे? 300 रुपये टोकरी आता है। अच्छा, 300 रुपया टोकरी। आपका नाम क्या है भैया? अरविंद। ओके, थैंक यू। यहाँ पे भी मांदेली फिश है, यहाँ पे बड़े साइज के लेप देख सकते हो आप। ये कौन सी फिश है? हाँ, क्या बोल रहे हो? मुर्दी। अच्छा, ओके, मराठी में मुर्दी बोलते हैं। अच्छा, ये मराठी नेम है, मुर्दी बोलते हैं इस मच्छी को। यहाँ पे बेबी शार्क देख सकते हो, स्टिंग रे भी है। क्या बोल रहे हो? मांदेली बोलते हैं लोकल। हाँ, बड़ी मच्छी नहीं आई है आज, कोई भी आज नहीं आई है। मतलब मार्केट जब लगता है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, तो डिपेंड करता है कैच कैसा रहता है, उस हिसाब से मच्छी आती है। फूड वेंचर फोक्स, थैंक यू। आपका नाम? दिवेश। ओके, ये कौन सा डोमा मच्छी है? अच्छा, डोमा मच्छी देख सकते हो आप। ये छोटे और ये मीडियम साइज के प्रॉन्स यहाँ पे। लोको
ये बड़ी फिश आप देख सकते हो यहाँ पे। कौन सा मच्छी है ये? क्या कौन सा मच्छी है ये? लेने का ब्लैक स्नैपर आप देख सकते हो। ये वाम मच्छी कितने का है? 400। एक पूरा एक 400 का आएगा आज। ये लेप है ना, ये बड़े साइज का लेप है क्या? आप लेप देख सकते हो, बड़े साइज में लेप मच्छी है ये। 1000 ला देना का है? 1200 दे दे। 1000 बरोबर आया काकी? 1000 ला। कोणती मच्छी आहे ती? काटकूट? नाही नाही, काटकूट म्हणतात ना, दुसरं नाव आहे त्याचं, काटणे का? ओके, ये 1000 रुपीस का मैं ले रही हूँ अभी। ये काटकूट मच्छी है ये। आप कितना लेते हो काटने का? 50 में काटेंगे? नहीं काटेंगे, ठीक है ले। नहीं, आपने बोला ना समझ के दो, समझ के दो बोला ना आपने। अभी आप बोल रहे हो 100 रुपया दो। नहीं, मैं ऐसे बोल रही हूँ, आपको अगर 100 रुपया ही लेना था तो वहाँ पे आप बोलते हैं ना 100 रुपया। कौन चिल्लाता है आपको? कोई भी लेगा तो ऐसे ही सोचे ना। नहीं नहीं, समझ के आपने बोला, समझ के लो। मेरे को लगा 50 रुपए में आप काट के दे रहे हो, इसके लिए मैंने बोला ठीक है। नहीं नहीं, 50 बराबर है, आप बोलो बराबर नहीं होगा। हाँ तो जाने दीजिए, दे दीजिए। नहीं नहीं, दे दीजिए, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ये मच्छी जो हमने खरीदी है वो काट रहे हैं। हेलो, आप इस मार्केट में रेगुलरली आते हो? यस, वी कम रेगुलरली। यू विल कम रेगुलरली? यू विल हैव परचेस्ड प्रॉन्स, इज इट? प्रॉन्स, देन पॉपलेट एंड देन सुरमई आल्सो। इज वाज इट वेरी एक्सपेंसिव? हाउ वाज इट? इट्स रीजनेबल, यस। ओके, इट वाज रीजनेबल प्राइस। हाउ मच डिड यू गेट दिस फॉर? Prawns? That prawns for 300. 300. And which is the other fish you bought? Pomfret. Pomfret was for? 600. How many? 4 pieces. 4 pieces. 600 rupees. Okay. And where are you all coming from? Under Indian Nagar. Okay, you all are close by. How much are you paying for this cutting? Fish cutting? 30 rupees. 30 rupees. पतला पतला कट कीजिए, छोटा और पतला।
अच्छा अंडा है उसमें, हाँ हाँ सेपरेट रखिए उस, एक मिनट मच्छी के अंडे देख सकते हो आप। बराबर है इसका, इसका 25 25 50, इसका 50 150 एंड सुरमे का 30। तो देखो 1 2 3 4 5 ना। ठीक है क्या भाव बराबर बोलेंगे तो क्या आ सकते हैं इधर? लास्ट टाइम आपका आपका नाम हेमलता है ना? हाँ मेरे को नाम याद है आपका, लास्ट टाइम यहाँ पे आके मैंने पूछा था आपको मच्छी कितने में काटते हो, वो बोले उन्होंने बोला था प्राइस। दीदी आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशोदा। यशोदा, अच्छा तो मैंने इनको ये खाटकूट मच्छी का 50 रुपया पे किया है। आप समझ के जो भी आप देना चाहते हो यहाँ पे आके इनको जो भी है वो पे कर सकते हो। फिक्स कुछ ऐसा प्राइस नहीं है राइट? 100 रुपया ऐसा कुछ नहीं है, सोच समझ के जो भी जितना देना है दे सकते हो आप। थैंक यू। हाँ भैया आपसे ये जो मच्छी खरीदा हमने उसको खाटकूट बोलते हैं ना? खाटकूट बोलते हैं लेकिन एग्जैक्ट नाम नहीं मिले माँ। अच्छा ब्लैक स्नैपर बोलते हो उसको मच्छी को? वही इंग्लिश में नाम में देख रहा हूँ क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं लास्ट टाइम आके गई थी ना तभी वो मच्छी देखा था मैंने, तो अभी मेरे को याद आया। बहुत टेस्टी है। हाँ अच्छा बहुत टेस्टी रहता है। ओके बहुत टेस्टी है वो, उसको आराम से ये करना। हाँ और आपका नाम? मेरा नाम विशाल। विशाल, विशाल टोमी। ओके और आपकी बोट है यहाँ पे? अच्छा ये आपकी बोट है और ये कितने दिन तक जाती है? 12 दिन 13 दिन 15 16 दिन। अच्छा ओके तो उतने दिन तक ये मच्छी आप कैसे प्रिजर्व करते हो? स्टोर रूम है ना वो, स्टोर पूरा वो आइस वगैरह, आइस के बॉक्सेस देखो इधर आप, ये आइस के बॉक्सेस है इसमें हम लोग पूरा आइसिंग करते हैं। अच्छा वो नीचे ना? हाँ ये दिख रहा है बॉक्सेस, ये पूरा आइस रहते हैं। अच्छा पूरा स्टोरेज, ये किचन है, ये देखो किचन भी अंदर, ये किचन। अच्छा ओके गाइस अंदर किचन भी है और वो सोने के लिए बस। अच्छा और एक टाइम में कितने लोग जाते हैं? 10 लोग जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। ओके और खाने पीने का सारा इंतजाम करके जाते हैं? पूरा 12 15 20 दिन का हम लोग स्टॉक रखे, 15 कम से कम 15 दिन का रखते हैं। अरे वाह, भले कुछ हो गया क्या हो गया एक्स्ट्रा दे देते हैं तो एक्स्ट्रा रखते हैं। अच्छा तो मच्छी को प्रिजर्व करने के लिए सिर्फ आइस डाल के रखते हो, बाकी कुछ जरूरत नहीं है? अच्छा और बॉक्सेस ऐसा है इसको खर्चा कम से कम 4-5 लाख रुपए खर्चा है बॉक्सेस बनाने के। अच्छा फ्रीजर टाइप रेट है। हाँ हाँ और कहाँ कहाँ पे जाती है मच्छी? बहुत रत्नागिरी आगे तक बहुत लंबा लंबा। अच्छा ओके तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे काफी वैरायटी ऑफ फिशेज अवेलेबल है और मैंने खाटकूट मच्छी जो है वो 2000 बोल रहे थे लेकिन मैंने उसको बार्गेन करके कम करके 1000 में परचेज की। तो अगर आप यहाँ पे आते हो आपको काफ़ी सारी अलग वैरायटीज की मच्छी मिल सकती है। जैसे लास्ट टाइम हमने परचेज तो नहीं किया था लेकिन मैंने देखा था काटकूट मच्छी, लास्ट टाइम भी मैंने देखी थी और मुझे परचेज करना था बट अनफॉर्चुनेटली वो मिस हो गया। तो इस टाइम वो अपॉर्चुनिटी मैंने गेन की और मैंने वो परचेज किया है। ये उनका
ये कौन सा मच्छी है? क्या कोटिल? कितने का है काकी? 600 में एक क्रेट। हाँ, एक ये बास्केट का। अच्छा, 600 का कम कम करेंगे? 600 में दिया, 1200 रुपए बोलते कम नहीं करेंगे? अच्छा, फिक्स प्राइस है, आप देख सकते हो 600 के प्रॉन्स है ये। और ये कितने में आएंगे? 300। अच्छा, ये 300 के है, 350 का है वो। अच्छा, और थोड़े छोटे हैं वो। देख सकते हो आप 350 के ये। कौन से बरबर? आता तितांची डबे के मला प्राइस सांगणार काय काकी? कितीला आहे? 300 हे सगळे सर्व 300 ला। नाही 300 ला आहे ना। घेऊ, कितीला आहे प्रॉन्स? 800 ला। अच्छा, ये अगर आपने वीडियो देखा होगा, लास्ट टाइम हमने इनसे फिश परचेज किया था। सुरमई ना? हाँ। कितने का आहे? तशी किंमत 1500 पण 1200 पर्यंत दे। 1200? अच्छा, देऊ का? आता घेतली मी, एवढी मोठी नजर घेतली। नाही नाही, सुरमई नाही, ते लास्ट टाइम मी आले होते इकडे, ते खाटकूट मच्छी घ्यायला, तर रजनीश भाई आहे ना, तिकडे जाऊन घेतले। और हलवा ना, तो पण तसाच आहे, 1200 पर्यंत आहे। 1200? अच्छा, ओके, 1200 तर हजारात देऊ। हजारला? ओके, पापलेट 10 पीस आहेत, 2000। आणि कमी करणार काय? कमी करणार नाही, 3000 ते 2500 ते असं बोलतो, पण 2000 देईन। अच्छा, ओके, म्हणजे 200 रुपये पर पीस पडेल। अच्छा, ओके, 10 पीस आहेत त्याच्या। रावस मच्छी 2000 एक, 2000 3000। खेकडे आहेत ते बघ, 8 खेकडे आहेत 1000 ला, 1000 ते 800 रुपये। 8 खेकडे देख सकते हो आप, 1000 का है, 800 में देंगे आपको। झींगा चाहिए? दोन्ही घेणार तर 3500 पर्यंत, 3500 में आ जाएगा ये। अगर आप दो लोगे तो इसे ये 3000 में आ जाएगा, 3500। थैंक यू काकी। ये एक बड़ी मच्छी आप देख सकते हो, शायद स्टिंगरे है ये। आपको अगर नाम पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, पर शायद ये स्टिंगरे है।
वर्सोवा के फिश मार्केट का एक पूरा व्यू दिखा देती हूँ आपको। तो आप देख सकते हो मार्केट में बहुत रश है और बहुत अलग अलग टाइप के फिशेज आए हैं मार्केट में। किती लाए हा? तीनशाला कोणती मच्छी आहे ती? सौंदाळे। सौंदाळे, अच्छा। सौंदाळे मच्छी आप देख सकते हो 300 का आएगा। जम्बो प्रॉन्स देख सकते हो आप, साइज देखते हो प्रॉन्स का साइज देख सकते हो। प्रॉन्स आएगा, क्रैप पण आहे। क्रॅप आहे, क्रॅप कितीला? हा खायच आहे। कितीला आहे काकी? 100 ला आणि भरलेला निघणार त्या मस्त। हा मौसी, मौसी हा कोणता मासा आहे? एक काकी ना मौसी करली वाला पैसा लेते भाई। 800 ना मौसी? नाही नाही मैं 800 दूंगी। हा कोणता मासा आहे? करली। अच्छा करली देख सकते हो आप, ये करली मासा कितने का है? ये 1200 का दो। 1200 का दो। और ये 800 का? 800 का आएगा ये। कितीला आहे? 200 रुपये। माकूड ना, माकूड मच्छी है ये 200 रुपये में। कितीला आहे? अर्धी पाहिजे का संपूर्ण पाहिजे? प्राइस तुम्ही सांगा ना कितीला। प्राइस आहे सगळी 2000। 2000 ला कमी करणार ना काकी तुम्ही? करणार, पण मोठा आहे ना पीस, चांगला आहे हा बघ। कितीला देणार 2000 ची? होलसेल ची। कितीला देणार? तुम्ही व्हिडिओ करता? हा व्हिडिओ करतात, पण कितीला देणार? 1500। अच्छा 2000 का ही है। आप आएंगे यहाँ पे आप खरीद सकते हो, आप अच्छे से बार्गेनिंग करके काकी से परचेज कर सकते हो। काकी तुमचं नाव? वनिता। वनिता, अच्छा होलसेल मार्केट है। होलसेल है, ओके। ये देख सकते हो आप जंबो प्रॉन्स गाइस, प्रॉन्स के साइज देख सकते हो आप, काफी बड़े साइज के प्रॉन्स है ये। कितने का है ये प्रॉन्स? प्राइस 400 में आएगा। कमी करना 300 लास्ट में, ओके। ये आप देख सकते हो 400 में बोला उन्होंने, लेकिन 300 में ये प्रॉन्स आएंगे। फिक्स प्राइस नहीं है यहाँ पे, आप अगर बार्गेन करोगे तो आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। वन पीस, ओ माय गॉड, वन पीस का 300 बोल रहा? मुझे लगा ओके सॉरी, क्योंकि यूजुअली बास्केट में पूरा सेल करते हैं ना। अच्छा अच्छा, ओके गाइस, तो ये एक प्रॉन्स जो है ये है 300 का, एक आएगा 300 का एक है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे, मुझे लगा थोड़ा पूरा बास्केट आएगा 300 में, लेकिन वो एक प्रॉन्स आएगा 300 में। थैंक यू, आपने बता दिया, मुझे लगा कि पूरा बास्केट लेना है उसका प्राइस है बोल रहे हो। अच्छा अच्छा, कितना? 1500। अच्छा ये पूरा बास्केट का 1500 रुपीज में आ जाएगा आपको। ओके, ये सारे अलग अलग प्राइजेस हैं। कितने में आएंगे? 800 का ले। 800, वो 800 में आएगा। कितना किलो रहेगा ये अंदाज? ये चुनिया वाला है कहीं जला माकर। और ये कौन सी मच्छी है? डोमा। डोमा कितने में आएगी? अच्छा ये डोमा मच्छी 200 की।
Thank you.